डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मेजरमेंट। ओके, देखिए बच्चों, हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको ये बताना है कि इन चीज़ों को हम किस चीज में, किस यूनिट में मेज़र करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच है, इसको हम किसमें मेज़र करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हम इसको करेंगे सेंटीमीटर। ओके, वेट ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स, हमें चिप्स का वजन बताना है, तो हम इसे करेंगे किलोग्राम या फिर ग्राम में। जैसे ये चिप्स की पैकेट है तो हल्की होगी, तो सेम ग्राम में करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मग इन अ मग, इसमें कितनी क्वांटिटी है, इसमें कितना कितना मतलब चीज़ें आ सकती है इसमें, तो हम इसे मिलीलीटर में करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई दिल्ली से लेकर मुंबई तक का हमें डिस्टेंस बताना, तो हम इसे करेंगे किलोमीटर में। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बकेट, बकेट में पानी की कितनी क्वांटिटी है, कितना पानी, इसे करेंगे हम लीटर में, क्योंकि ज़्यादा है, मग हमारा छोटा है इसलिए हमने इसे मिलीलीटर में किया था। वेट ऑफ वाटर मेलन, वाटर मेलन का वेट किस में होगा, केजी में। ओके, देखिए बच्चों, आपको ये टेबल अपनी कॉपी में बनाना है। टू मेजर शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ आपको मेजर करनी है तो सेंटीमीटर में होगा, लॉन्ग लेंथ मेजर करनी है तो मीटर या किलोमीटर में होगा, और शॉर्ट डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो मीटर में, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में, हाइट नापते हैं तो हम सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं। ओके, ये देखिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ओके, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, इट इज रिटन एज एम, हम इसको एम लिखते हैं मीटर को। देखिए किलोमीटर, किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, वो लेंथ की बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, इट इज रिटन एज केएम, हम लिखते हैं केएम। मेजरिंग शॉर्ट लेंथ, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए एक्सरसाइज 9A, आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट को आपको स्केल पे यहाँ रख के इन्हें नाप के यहाँ पे लिखना है कि कितने सेंटीमीटर की है। यहाँ पे तो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये स्केल आप इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना इतनी लंबी स्केल है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अभी पेंसिल है, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके ऊपर आप पेंसिल रखेंगे, फिर ये किधर आ रही है स्केल पे 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर की है, और ये वाली पेंसिल 6 सेंटीमीटर की, इरेजर हमारी 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रखेंगे, तो आपको ये बच्चों अपने कॉपी में, होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।